Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 1 के अंदर टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. अब आपके एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं उन पे रिटन नोट्स की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है टाइम पर आए. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद अ टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 1, वॉट इज़ इंस्टीट्यूशन, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. एंड इंस्टीट्यूशन हैज़ डेफिनेट एम. इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर एम या गोल होता है जो उसे अचीव करना है, बाय वर्च ऑफ विच इट इज़ बेनिफिशियल टू सोसाइटी. अब एक इंस्टीट्यूशन जो है एक अपना पर्टिकुलर गोल को अचीव करता है, इसीलिए सोसाइटी के अंदर वो एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है. इंस्टीट्यूशन आर द एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग. इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ही तरीके से जो सिस्टम है उसको चलाया जाता है. जो डूइंग ऑफ थिंग्स है यानी काम करने का तरीका जो होता है वो पर्टिकुलरली सेम होता है पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर. एंड इंस्टीट्यूशन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यानी कि इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं. विच रेफर्स टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ विच रेगुलेट द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी. अब एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी के मेम्बर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. द एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ब्रिंग यूनिटी अमंग द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो काम करने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए उस इंस्टीट्यूशन के अंदर यूनिटी मेंटेन होती है जितने भी उसके मेम्बर्स हैं. ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ नंबर ऑफ रूल्स एंड लॉज विच ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो टू मेक देयर लाइफ इन सोसाइटी ईजियर. हर इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ होते हैं. जो भी मेंबर होता है उस सोसाइटी का उसको वो सारी चीज़ें जो है फॉलो करनी होती हैं ताकि उसकी जो सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी है वो इजी हो जाए. दीज रूल्स, रेगुलेशन, लॉज वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. अब ये जो रूल्स, रेगुलेशन होते हैं हर इंस्टीट्यूशन के वो डिपेंड करते हैं वहाँ की सोसाइटी पे. अब जैसी इंडियन सोसाइटी है वैसी अमेरिकन सोसाइटी कभी नहीं हो सकती. अब इंस्टीट्यूशन अगर एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन और मैरिज इंस्टीट्यूशन, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं सोसाइटी के अंदर. जैसा फैमिली सिस्टम इंडिया में है वैसा बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम में नहीं हो सकता. जैसा मैरिज सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है वैसा मैरिज इंस्टीट्यूशन अमेरिका में नहीं हो सकता. तो इसीलिए सोसाइटी से सोसाइटी रूल्स, रेगुलेशंस अलग होते हैं, इसीलिए वहाँ का इंस्टीट्यूशन भी अलग होता है. इंस्टीट्यूशन प्ले अ सेंट्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल. जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी के अंदर वो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. उसके जितने भी मेंबर्स हैं उसका बिहेवियर पैटर्न जो है प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है. वहाँ के लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा उसके इंस्टीट्यूशन जो है बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं. लॉ ऑफ जंगल वुड प्रिवेल इफ़ देयर वर नो इंस्टीट्यूशंस. अब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के अंदर नहीं होगा तो सोसाइटी के अंदर जंगल राज वाली सिचुएशन हो जाएगी. जिसके पास मनी पावर होगी, पॉलिटिकल पावर होगी, वो अपनी बात दूसरों से मनवाएगा अपने अकॉर्डिंग. इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं इसीलिए जो है सोसाइटी प्रॉपरली वर्क कर पा रही है. इट इनेबल सोसाइटी टू कीप फंक्शनिंग. इंस्टीट्यूशंस के कारण ही सोसाइटी का प्रॉपर फंक्शन जो है वो हो पा रहा है. इंस्टीट्यूशंस आर द फाउंडेशन और द पिलर्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का जो बेस है वो इंस्टीट्यूशंस है. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, वी कैन नॉट सी इंस्टीट्यूशन. अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन. अब यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको टू द पॉइंट लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते क्योंकि किसी सोशियोलॉजिस्ट या ऑथर के लिखे हुए वर्ड्स हैं. ये जो डेफिनेशन है ये इंस्टीट्यूशन की है. अकॉर्डिंग टू ई ए रॉस, इंस्टीट्यूशन आर सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड और सैंक्शनड बाय कॉमनवेल. इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी रिलेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए जाते हैं
और उन पे सैंक्शंस भी लगते हैं, और ये कॉमन विल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वॉलेंट्रली उसका पार्ट होते हैं, ज़बरदस्ती उनको पार्ट नहीं बनाया जाता, अपनी इच्छा से उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हैं और उसके अंदर रिलेशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से सेट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है परमानेंसी। आर बिलीव्स एंड एक्शन आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अंटिल दे आर एक्सेप्टेड बाय अदर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जितने भी बिलीव्स और एक्शंस हैं जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर किए जा रहे हैं वो तब तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होंगे, मतलब एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगे जब तक दूसरे उसे एक्सेप्ट नहीं करते काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि आज कोई करना स्टार्ट कर रहा है कोई प्रैक्टिस और उसको बोलेगा कि वो इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में कोई भी चीज़ें जो की जाती हैं वो काफ़ी सालों से की जाती हैं, उसके बाद जो है वो एक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टीट्यूशन हैव अ डिग्री ऑफ परमानेंस। इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। एक सिस्टम होता है जो काफ़ी टाइम से सोसाइटी के अंदर चल रहा होता है। इट डजेंट मीन दैट दे डोंट चेंज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशन परमानेंट है तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। एज न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स अपीयर दे चैलेंज स्टेबिलिटी। अगर अब इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी पुराने तरीके से लोग जो है वर्क कर रहे हैं और मॉडर्नाइज्ड और वेस्टर्नाइजेशन होने के कारण जो काम को करने का तरीका है वो चेंज हो गया है, तो नए तरीके जो है उस इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो स्टेबल चलता जा रहा है इंस्टीट्यूशन, बट जो नए तरीके हैं अब उसकी स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो यानी कि इंस्टीट्यूशन तो परमानेंट है बट उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ें हैं करने के लिए वो चेंज हो सकती हैं, बट पूरा इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं होगा। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था और आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है प्रिवेलेंट कर रहा है। तो यानी कि जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है बट जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी सोसाइटी में वर्क कर रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट है क्लस्टर ऑफ सोशल चेंज। Institutions are composed of customs and rules organized into a functioning unit. अब institutions के अंदर जितने भी रीति रिवाज rules, regulations और laws को फॉलो किया जाता है वो एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी कि पूरा एक यूनिट जो होता है उसकी तरह वर्क करता है एक इंस्टीट्यूशन। एन इंस्टीट्यूशन फंक्शन एज अ यूनिट इन द कल्चरल सिस्टम व्यूड एज अ होल। तो एक इंस्टीट्यूशन को पूरा एक होल की तरह देखा जाता है कि अलग अलग पार्ट्स में इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर रहा, चाहे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, चाहे मैरिज इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन है, वो पूरा इंस्टीट्यूशन में जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे एक ही तरीके से काम करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हों कंट्री के अंदर। थर्ड पॉइंट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इंस्टीट्यूशंस हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आज के टाइम में सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं उन सबका एक ऑब्जेक्टिव है, मकसद है जो उन्हें अचीव करना है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी के अंदर लोगों के जो रिलेशंस है वो बने रहें, वो नेटवर्क जो है वो सस्टेन रहे सोसाइटी के अंदर। फोर्थ पॉइंट है कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए जो मदद करता है वो उसका कल्चर है, यानी कि सभ्यता है। कोई भी लोग जो है इंस्टीट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनकी सभ्यता से कनेक्टेड है। तो कल्चरल बिलीव्स वैल्यू सिस्टम हेल्प इंस्टीट्यूशन टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो जितने भी सभ्यता के बिलीफ होंगे, जो भी रिचुअल्स रीति रिवाज वैल्यू सिस्टम होगा हमारा, हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्योंकि वो हमारे मॉरल सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंस्टीट्यूशन को उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में मदद करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है सिंबल्स। सिंबल्स जो होते हैं वो मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों फॉर्म्स के हो सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर परमानेंस आइडेंटिटी और यूनिटी बनाए रखने के लिए कि सब मेंबर्स जो है इसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, वो एक साथ जो है यूनाइट होकर काम करेंगे, तो उनको जो जोड़ने के लिए चीज़ होती है वो है वहाँ के सिंबल्स। हर इंस्टीट्यूशन का अपना सिंबल होता है, इसीलिए जो है जितने भी इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि उन सबका सिंबल्स जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी कि जो कनेक्शन है उनका वो इसीलिए फील कर पाते हैं क्योंकि वो जो चीज़ कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो सारी करने के तरीके एक जैसे हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो एक जैसा है। मटीरियल मीन्स यहाँ पर मतलब है ऑब्जेक्ट, और नॉन मटीरियल है यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग
जिसको हर कोई जो है उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर फील कर पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है इंस्टीट्यूशन में यूनिटी लेके आती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है डेफिनेट ट्रेडिशंस। ईच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेफिनेट ट्रेडिशंस ओरल और रिटन। हर इंस्टीट्यूशन का अपना जो है एक परंपरा होती है जिसको वो ओरली या फिर रिटन फॉर्म में दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट करते हैं। सच ट्रेडिशंस रेफर्स टू द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। और उन्हीं ट्रेडिशन से जो उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जो होता है वो बनता है। When traditions become very rigid, जब काफ़ी सालों से वही परंपरा जो है फॉलो करते रहते हैं उस इंस्टीट्यूशन के लोग और वो रिजिड हो जाती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आते, तो वो एक रिचुअल का यानी रीति रिवाज का फॉर्म ले लेती है और नेक्स्ट जनरेशन भी उसे जो है एज अ रिचुअल फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। सेवन्थ पॉइंट है ट्रांसमीटर ऑफ सोशल हेरिटेज, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो भी विरासत है यानी काफ़ी टाइम से जो चीज़ें फॉलो करते आ रहे थे उसको कौन बचाए रखता है, वो है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जो है सोसाइटी के अंदर जितनी भी हेरिटेज की चीज़ें हैं उन्हें कंजर्व करते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इट इज़ इन द इंस्टीट्यूशन वेयर द इंडिविजुअल्स लर्न द बेसिक वैल्यूज़। इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही एक इंसान जो है बेसिक वैल्यूज़ और मॉरल सिस्टम के बारे में सीखता है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा जो होता है उसे कल्चर सभ्यता के बारे में कहाँ से पता लगता है, फैमिली इंस्टीट्यूशन से। फैमिली जो है उसे समझाती है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी उसकी सभ्यता है, क्या रीति रिवाज है। जब फैमिली से थोड़ा सा वो बच्चा बड़ा होता है और बाहर निकलता है तो फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन जो है उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करता है, उसको सोसाइटी के बारे में और जो चीज़ें हैं कल्चर के बारे में धीरे धीरे बतानी स्टार्ट करता है, और जो हेरिटेज है जो इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के पार्ट्स है उसके बारे में जो है बच्चा स्कूल इंस्टीट्यूशन से सीखता है। एट्थ पॉइंट है रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर मोर रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज। जितने भी सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चेंज को इतने ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर काफ़ी सालों से रूल्स रेगुलेशंस और जो वैल्यूज़ है वो वैसे ही चलती आ रही हैं। इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इज़ अफेक्टेड बाय सोशल सैंक्शन। अब इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी बिहेवियर होगा उसको कंट्रोल किया जाता है सैंक्शंस लगाकर। दे टेंड टू होल्ड फर्मली टू द पैटर्न्ड बिहेवियर ऑफ द पास्ट एंड रेजिस्ट बेसिक मॉडिफिकेशन। अब जितने भी पैटर्न चले आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे फैमिली सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है इंडिया के अंदर काफ़ी सालों से वैसे ही चल रहा है, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पर जो पैटर्न बिहेवियर है इतने सालों का वो वैसे ही चलता रहता है, और जो भी नई मॉडिफिकेशन होने की कोशिश भी होती है उसको रेजिस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन, यानी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नाइन्थ, इंस्टीट्यूशन बोथ कंस्ट्रेन एंड इनेबल बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन जो है चेंजेस को रोकते भी हैं और बिहेवियर को साथ के साथ चेंज भी करते हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स इम्प्लाइज कंस्ट्रेंट। अब जो भी रूल्स रेगुलेशंस एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं वो कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बिहेवियर पे, कि आप उससे ज़्यादा जो है बाहर जाकर कुछ और नहीं कर पाओगे, आपके इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आपको वैसे ही जो है वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स ऑफ लैंग्वेज अलाउ अस टू कम्युनिकेट। अब जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उससे हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं। ट्रैफिक रूल्स हेल्प ट्रैफिक टू फॉलो ईजली एंड सेफली। और जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उससे ट्रैफिक जो है ईजली जो है सेफली फ्लो कर पाता है, यानी कि आगे बढ़ पाता है। रेगुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज एंटीथीसिस ऑफ फ्रीडम। जब भी किसी चीज़ को रेगुलेट किया जाता है यानी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी फ्रीडम को रोक रहा है, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने का मतलब ये भी होता है कि उस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी हैं। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़रूरी नहीं है अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं तो वो उसकी फ्रीडम को रोक रहे हैं, वो फ्रीडम को नहीं रोक रहे हैं बल्कि उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर वर्किंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफाई एक्शंस फॉर द इंडिविजुअल। द पार्टिसिपेंट इन एन इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेंट मतलब उस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स जो होते हैं, इज़ अकस्टम टू पास बिहेवियर ट्रेड्स टू अनदर टूवर्ड्स अ रिकॉग्नाइज्ड गोल। अब जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को पास ऑन करते हैं नेक्स्ट मेंबर्स को,
ताकि जो उस इंस्टीट्यूशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो सके. वन ऑफ द मोस्ट हाईली इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन इन द मॉडर्न सोसाइटी इज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट. आज मॉडर्न सोसाइटी में सबसे हाईली जो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर सोल्जर्स जो है, जो उन्होंने सीखा है अपना बिहेवियर, वो दूसरे सोल्जर्स को सिखाते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है अपने एनिमी को हराना, वो अचीव हो पाए. सेकेंड पॉइंट है, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. इंस्टीट्यूशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसीज थ्रू विच द सैंक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर पुट ऑन द इंडिविजुअल. अब सोसाइटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं उसके इंस्टीट्यूशंस. अगर सोसाइटी किसी भी इंडिविजुअल को रोकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो उसके इंस्टीट्यूशंस उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं. ऑल मेजर इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फैमिली ही बताती है बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की. स्कूल इंस्टीट्यूशन जो बच्चे को है वो बताते हैं कि कैसे आपने दूसरे बच्चों के साथ कॉपरेट करना है. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये बताते हैं कि दूसरे रिलीजन के लोगों की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है. स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है वो बताता है कि कैसे आपने एक अच्छा नागरिक बनना है. तो ये सारी बेसिक वैल्यूज़ जो है एक यंग वन को सिखाई जाती हैं उसके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. तो सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. थर्ड पॉइंट है, प्रोवाइड अ रोल एंड स्टेटस टू इंडिविजुअल्स. इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर करेक्टरिस्टिक्स. इंस्टीट्यूशन जो है एक इंडिविजुअल को मौका देता है कि वो अपने फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सके, टाइम के साथ डेवलप करे, और अपना जो स्टेटस है, जो रोल है सोसाइटी के अंदर, उसको फिक्स्ड करे, सोचे उसके बारे में कि उसका क्या रोल है एक सोसाइटी के अंदर. फोर्थ पॉइंट है, इम्पार्ट ऑर्डर टू द सोसाइटी. इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट यूनिटी टू द सोसाइटी. अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर एक ही तरीके से काफ़ी सालों से वर्क किया जा रहा है, जिससे जो है यूनिटी मेंटेन होती है सोसाइटी के अंदर. लॉ ऑफ द जंगल वुड प्रिवेल इफ देयर वर नो इंस्टीट्यूशन. अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते सोसाइटी के अंदर तो जंगल राज होता. जिसके पास पॉलिटिकल पावर होती और मनी पावर होती, वो उसके दम पर दूसरों से अपनी बात मनवाते. इंस्टीट्यूशंस अनेबल सोसाइटी टू कीप फंक्शनिंग. आज अगर सोसाइटी अच्छे से काम कर पा रही है, वो इन्हीं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की वजह से कर पा रही है. फिफ्थ, इंटरडिपेंडेंस. इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट. इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट है, जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है. तो इस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के अंदर होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एज अ होल पूरी सोसाइटी के अंदर वर्क करते हैं. जैसे कि कोर्टशिप सपोर्ट मैरिज. जितने भी कोर्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो मैरिज को सपोर्ट करता है. जितने भी मैरिज केसेस हैं वो कोर्ट में सुने जाते हैं, विच इन टर्न सपोर्ट्स फैमिली. और जितने भी मैरिज इंस्टीट्यूशंस हैं वो सपोर्ट करता है फैमिली इंस्टीट्यूशन को. तो ऑल थ्री इंस्टीट्यूशन आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के अंदर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी वर्किंग के लिए. लास्ट सिक्स्थ पॉइंट है, डिस्प्ले टेंशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड चेंज. वेज ऑफ डूइंग थिंग्स रिपीटेड ओवर एंड ओवर टेंड टू बिकम रिजिड फॉर्म. अगर काफ़ी सालों से किसी भी चीज़ को करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन लोग जो है एक ही तरीके से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उसको जो है हम कहते हैं रिजिड फॉर्म की. यानी कि वो चेंज जो नहीं हुआ है वो रिजिड हो चुका है, जिसकी वजह से वो एक हैबिट बन चुका है लोगों की और उसने एक शेप ले ली है इंस्टीट्यूशन की. इंस्टीट्यूशन टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी, और इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी आती है. और अगर सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड या फिर वेस्टर्नाइज हो रही है टाइम के साथ, तो उस चीज को करने का तरीका भी चेंज होगा. तो इसीलिए वो चीजें जो है स्टेबिलिटी को फिर चैलेंज भी करती हैं. तो इंस्टीट्यूशन जो है फिर चेंज की तरफ भी मूव होता है. तो ये एक टेंशन है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं या फिर टाइम के साथ इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहे हैं. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी पैटर्न को फॉलो करके अपना जो आंसर है वहाँ एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करो, ताकि आपके जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ. कॉन्क्लूजन में कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो. इनकेस आपको वो लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे लाइन्स लिख भी दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना.
Now, second important question from the unit 1, that is question number 2. Write down the differences between association and institution. अब यहाँ पर आपने जो starting करनी है अपने question की, उस पर आपने लिखना है meaning of institution, जो हमने अभी question number 1 में discuss किया था. बिल्कुल same exact वही lines आपने लिखनी है institution पे. Then उसके बाद आपने definition लिखनी है institution की. उसके बाद जो है आपने लिखना है मीनिंग ऑफ एसोसिएशन. अगेन आई एम सेइंग दिस कि जिस पैटर्न से मैं आपको समझा रही हूँ आपको एग्जाम के अंदर उसी तरीके से लिखना है. ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस ऐड की तो आपके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे. मोस्टली कॉलेजेस के अंदर जो है पैटर्न आंसर का नहीं बताया जाता जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आते हैं. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो कि जिस पैटर्न से मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस आप उसी तरीके से लिखो. तो नाउ मीनिंग ऑफ एसोसिएशन. मैन हैव डाइवर्स नीड्स डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट. अब एक इंसान के बहुत सारी ज़रूरतें डिज़ायर्स और इंटरेस्ट होते हैं विच डिमांड सेटिस्फैक्शन, जिससे जो है वो सेटिस्फाई हो पाए. देर आर थ्री वेज ऑफ फुलफिलिंग दीज नीड्स. अब तीन तरीके हैं इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. फर्स्टली मैन मे एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट केयरिंग ऑफ अदर्स. सबसे पहला तरीका है कि हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करें, जो भी हमें चाहिए हम अचीव करें बिना दूसरों की केयर करे बगैर, कि उनको क्या फील होता है, क्या वो हर्ट होते हैं या उसका इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ता है, बिना दूसरों के बारे में सोचे हुए. सेकेंडली मैन मे सीक देयर एंड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. दूसरा ये रीज़न है कि हम अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो नीड्स हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर, यानी दूसरों के साथ लड़ झगड़ कर हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें. फाइनली मैन मे ट्राई टू फुलफिल देयर एंड थ्रू कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस. और तीसरा तरीका ये है कि इंसान जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करे दूसरों के साथ कॉपरेट कर और उनकी मदद के साथ, खुद भी उनकी मदद करे और वो भी दूसरे की मदद करे. तो इस कॉपरेशन को ही एसोसिएशन कहते हैं. एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. एसोसिएशन एक लोगों का ग्रुप है जिसको बनाया गया है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मकसद है, उसको पूरा करने के लिए जो है एसोसिएशन बनाया गया है. सच ग्रुप इज़ नॉट ऑफ परमानेंट नेचर. अब एसोसिएशन जो भी ये ग्रुप है ये परमानेंट नेचर का नहीं होता है. इसकी जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी है, मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई मेंबर बनना चाहे वो बन सकता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते मेंबर बनने के लिए. इट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द गोल. अगर किसी भी एसोसिएशन का मकसद पूरा हो गया है तो फिर वो ख़त्म भी हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है. ये एसोसिएशन जो ग्रुप्स होते हैं परमानेंट नहीं होते. नाउ डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन. अगेन डेफिनेशन आपने टू द पॉइंट लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में बना के आप नहीं लिख सकते. अकॉर्डिंग टू बॉगडर्स एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस. एसोसिएशन लोगों का ग्रुप है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो एक जो उनका पर्पस है उसको अचीव कर पाए. नाउ नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप ऑफ पीपल. ये जो एसोसिएशन होता है किसी एक इंसान से नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ग्रुप में एसोसिएशन बनाते हैं किसी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए. सेकंड वॉलंटरी मेंबरशिप. अपनी मर्जी से जो है पर्सन मेंबर बनता है एसोसिएशन का, उसको फोर्स नहीं किया जाता एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए. थर्ड कॉमन गोल. ये जो एसोसिएशंस होते हैं इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके सेम ऑब्जेक्टिव होता है जो उन्होंने सबने मिलकर एक साथ काम कर पूरा करना है. और नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन. फर्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन रेफर्स टू ए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग डेफिनेट एम. एसोसिएशन लोगों का एक ग्रुप है जिसके अंदर उनका एक कॉमन एम है. बट इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. बट इंस्टीट्यूशन एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करने का जो प्रोसीजर है वो सेम होता है. सेकेंड पॉइंट है स्टेट फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, पोलिटिकल पार्टीज. ये एग्जाम्पल है एसोसिएशन के. जबकि कॉलेज, फैमिली, मैरिज, ये एग्जाम्पल्स हैं इंस्टीट्यूशन के. थर्ड पॉइंट है एसोसिएशन लैक स्टेबिलिटी. एसोसिएशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है. एसोसिएशंस का अगर गोल अचीव हो जाता है वो जो है डिसॉल्व भी हो सकते हैं, वो टेम्प्ररी नेचर के होते हैं. बट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, ये स्टेबल होते हैं, जल्दी से
चेंज नहीं होते और परमानेंट नेचर के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जब लोगों का एक जैसा एम होता है तो उसको पूरा करने के लिए वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उसको एसोसिएशन कहा जाता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू फुलफिल सम स्पेसिफिक एम, एसोसिएशन इज फॉर्म्ड। बट इंस्टीट्यूशन जो होता है समाज की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग एक जैसा जो है बिहेवियर कर रहे हैं, एक जैसे जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, एसोसिएशन आर कॉन्क्रीट इन नेचर, यानी एसोसिएशन जो है वो ईजिली विजिबल होते हैं सोसाइटी के अंदर, हम उसे देख सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, वो हमें ईजिली दिखाई नहीं देते। सिक्स्थ पॉइंट है, एसोसिएशन आर फॉर्म टू फुलफिल मैंस नीड्स एंड नेसेसिटीज़। एसोसिएशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक इंसान की ज़रूरतें पूरी हो सके। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपने आप ही नेचुरली ग्रो कर जाते हैं सोसाइटी के अंदर और स्पॉन्टेनियस होते हैं, मींस वो प्लान्ड नहीं होते, सोच समझ कर नहीं बनाए जाते। इंस्टीट्यूशन अपने आप टाइम के साथ जो है सोसाइटी के अंदर बन जाते हैं। सेवन्थ पॉइंट है, एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कि एसोसिएशन जो होता है जिसके अंदर लोग जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, जबकि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, कि जो काम किया जाता है वो ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके। एट्थ पॉइंट है, एसोसिएशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशन का कोई भी नाम नहीं होता है। नाइन्थ, एसोसिएशन जो होता है वो फॉर्मल तरीके से कंट्रोल करता है इंडिविजुअल को, और जो इंस्टीट्यूशन होता है वो इनफॉर्मल तरीके से कंट्रोल करता है एक इंडिविजुअल को, जैसे कि फैमिली कंट्रोल करती है एक चाइल्ड के बिहेवियर को, तो इनफॉर्मल तरीका जो है वो इंस्टीट्यूशन में अपनाया जाता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। टेंथ पॉइंट है, एसोसिएशन का जो है लीगल दायरा होता है, यानी कि लीगल स्टेटस होता है, जबकि इंस्टीट्यूशन का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता है। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन, 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पर लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। Now next important question from the unit 1, that is question number 3, write down the differences between society and institution. तो सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइंस जो है आपने इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर लिखनी है। देन उसके बाद आपने लिखना है डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो मीनिंग और डेफिनेशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन 1 की तरह। उसके बाद आपने लिखना है मीनिंग ऑफ सोसाइटी। टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशस, विच मीन्स फ्रेंडशिप। ये जो वर्ड सोसाइटी है ये लैटिन वर्ड सोशस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। सोसाइटी इज रेफर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन एरिया, कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न। सोसाइटी जो है उन ग्रुप ऑफ पीपल को कहेंगे जो कि एक ही कॉमन एरिया में रह रहे हैं, उनकी सभ्यता सेम है और एक जैसा बिहेवियर पैटर्न है। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशनल सिस्टम एंड सेवरल ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। इन अ सोसाइटी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ईच इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी सोसाइटी की कुछ ना कुछ मदद करता है। इसीलिए सोसाइटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू J.H. मेड, सोसाइटी एज एन एक्सचेंज ऑफ जेस्चर्स विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सिम्बल्स। सोसाइटी के अंदर आइडियाज़, वैल्यूज़, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है एक्सचेंज की जाती हैं सोसाइटी के सिंबल्स को यूज़ कर कर। नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी किस चीज़ से बनी होती है, सोशल रिलेशनशिप से, जो कि इनविजिबल होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। हम सोसाइटी को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सोसाइटी रियल होती है, बट सोसाइटी के अंदर जो हम रिलेशंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको देखना मुश्किल है। वो रिलेशंस जो होते हैं सिर्फ फील किए जा सकते हैं। सेकेंड, इंटरडिपेंडेंस। इन सोसाइटी देयर इज़ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन हैव सर्टेन नीड्स विच दे कैन नॉट फुलफिल ऑन देयर ओन। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो हम खुद पूरी नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। तो इसीलिए जो ह्यूमन्स होते हैं वो दूसरे ह्यूमन्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए।
थर्ड पॉइंट है सोसाइटी इन्वॉल्व्स लाइकनेस एंड डिफरेंसेस. मैन डू नॉट हैव अ सोसाइटी इन एसोसिएशन विद एनिमल्स बिकॉज देयर इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव्स आर डिससिमिलर. अब इंसान कभी भी एनिमल्स के साथ सोसाइटी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनमें बहुत फ़र्क है. ह्यूमन सोसाइटी के अंदर सिर्फ ही ह्यूमन्स ही होंगे क्योंकि उन सबके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक जैसे इंटरेस्ट है, एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं. फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल. बिना कंट्रोल के ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती. सोसाइटी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इंडिविजुअल्स पे. दिस कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एक्सरसाइज थ्रू ट्रेडिशंस लॉज एंड नॉर्म्स. अब इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है ट्रेडिशंस यानी रीति रिवाजों से, परंपराओं से, कानूनों से, ताकि वो सोसाइटी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके. फिफ्थ पॉइंट है लिबर्टी. इन ऑल सिविलाइज सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव फ्रीडम टू गेट एजुकेशन, चूज अ डिजायर्ड प्रोफेशन, मैरी एंड बी गेट चिल्ड्रन, थिंक इंडिपेंडेंटली एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन एन एप्रोप्रिएट मैनर. जितने भी आज के टाइम में सभ्य समाज हैं वहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम है अपनी चॉइस से एजुकेट होने का, प्रोफेशन कोई भी काम करने का, मैरिज करने का और अपनी फैमिली स्टार्ट करने का राइट, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट थिंक करने का कि वो कुछ भी सोच सकते हैं और अपने थॉट्स को एक एप्रोप्रिएट मैनर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लिबर्टी का राइट जो होता है सोसाइटीज़ के अंदर दिया जाता है इंडिविजुअल को. नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन. सोसाइटी जो होता है सोशल रिलेशनशिप से बनता है, जबकि इंस्टीट्यूशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूल्स, ट्रेडिशंस एंड यूसेज है कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर रूल्स, लॉज और जो परंपराएं हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है. सेकेंड पॉइंट है इंस्टीट्यूशंस आर अ फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, कि इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. सारे लोग एक जैसे तरीके से काम करते हैं और बिहेव करते हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. और उस इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, तब जाके वो इंस्टीट्यूशन बनता है. थर्ड, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट फॉर सोसाइटी. इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करता है सोसाइटी के लिए. गवर्न द रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए किए जाते हैं. फोर्थ, सोसाइटी रिप्रेजेंट ह्यूमन एस्पेक्ट. सोसाइटी के अंदर जो फोकस किया जाता है मेन चीज पर वो होते हैं ह्यूमंस, और इंस्टीट्यूशन के अंदर जो मेन फोकस होता है वो सोशल कंडीशंस ऑफ कमिटमेंट एंड बिहेवियर, कि समाज के अंदर लोग जो है उस इंस्टीट्यूशन के कैसे बिहेव कर रहे हैं. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो. इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना. नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 1, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी. अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था. बिल्कुल सेम एग्जैक्ट लाइन्स आपने वही लिखनी है. देन उसके बाद आपने लिखना है डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन. ये लिखने के बाद फिर आपने लिखना है मीनिंग ऑफ कम्युनिटी. कम्युनिटी इज़ एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, यानी समाज के अंदर जब लोग एक साथ रहते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल आर सोशल रिलेशन, यानी हमारे जितने भी समाज के अंदर रिलेशंस होते हैं वो कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं. कम्युनिटी में भी थॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल. कम्युनिटी को समझा जाता है कि जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाएं, कलेक्शन ऑफ लोग जो है एक साथ रहें उसको कम्युनिटी कहते हैं. सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि एक दूसरे से वहाँ की कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. ऑल द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ अ कम्युनिटी, वर्क एंड नॉन वर्क, टेक प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल एरिया. जो भी डेली की एक्टिविटीज़ कम्युनिटी के अंदर होती हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर की जाती हैं, यानी कि उस कम्युनिटी का जो एरिया है वहाँ पर. नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू मैनहेम, कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहिबिट्स अ लोकेलिटी. तो कम्युनिटी जो है एक ग्रुप हो सकता है या फिर बहुत सारे ग्रुप्स का कलेक्शन हो सकता है जो एक ही जगह पर एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं. नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी. फर्स्ट पॉइंट है लोकेलिटी. विदाउट टेरिटरी एंड एरिया देयर कैन बी नो कम्युनिटी. जब तक एक कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर टेरिटरी या एरिया नहीं होगा तब तक हम उसे कम्युनिटी नहीं कह सकते. अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स कम्युनिटी ओनली व्हेन दे बिगिन टू रिजाइड इन अ डेफिनेट लोकेलिटी. एक ग्रुप ऑफ लोग जब पर्टिकुलरली एक जगह पर रहना स्टार्ट कर देंगे तब उस एरिया को, उस लोकेलिटी को हम कम्युनिटी कहेंगे.
सेकेंड पॉइंट है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स. जितने भी लोग उस कम्युनिटी के एरिया में रहते हैं, मोर और लेस उनके एक जैसे सेंटिमेंट्स होंगे, यानी एक जैसा बिहेवियर होगा, एक जैसे जो है वो लोगों के साथ वो डील करेंगे, बिहेव करेंगे. थर्ड पॉइंट है कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक जैसे तरीके से वो लोग जिएंगे, उनकी बेसिक कंडीशन सबकी सेम होगी. फोर्थ पॉइंट है कॉमन इंटरेस्ट, जितने भी उस कम्युनिटी के लोग होंगे उनके एक जैसे इंटरेस्ट होंगे, और उन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो एक जैसे जो है एक्टिविटीज़ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ वननेस, जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे और जो कम्युनिटी के जो इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी, कम्युनिटी जो है वो स्टेबल होती है, यानी परमानेंट नेचर की होती है, जल्दी कम्युनिटीज़ में चेंजेस नहीं होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटीज़, और बहुत छोटी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं. साइज़ जो है कम्युनिटी का फिक्स नहीं होता है. लास्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, हर कम्युनिटी के अपने कुछ रीति रिवाज, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस होते हैं जो उसके मेंबर्स जो है फॉलो करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी. फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू हैव टेरिटरी एंड वी फीलिंग अमंग द मेंबर्स इन अ कम्युनिटी. ये जरूरी है कि एक कम्युनिटी की टेरिटरी हो और उसके जो लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड फील करें, जबकि टेरिटरी और वी फीलिंग जो है जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूशन के लिए. सेकेंड पॉइंट है कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी उसे कहेंगे जहाँ पर एक साथ लोग जो है ग्रुप में रह रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन इज़ एन एस्टैब्लिश्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग, कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका होता है लोगों का वो एक जैसा होता है. थर्ड पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी इज़ नोन फैक्ट, कम्युनिटी की जो मेंबरशिप है कि क्या इंसान जो है उस कम्युनिटी का मेंबर है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिटी का, और इंस्टीट्यूशन के लिए क्या जरूरी है उसके रूल्स और प्रोसीजर्स. फोर्थ पॉइंट है कि कम्युनिटी का कोई भी प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कि जो उसको पूरा करना है उसका कोई गोल नहीं होता है कम्युनिटी का, बट इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है जो उसे पूरा करना होता है. फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी एक कॉन्क्रीट फॉर्म है, यानी कि हम उसे देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशन एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील ही कर सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट है मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर आल्सो मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के भी मेंबर होते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, जैसे कि स्कूल इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन, मैरिज इंस्टीट्यूशन. तो इस तरीके से हर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं. नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप कॉन्क्लूजन में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना. वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि वही मेरे लिए एक फीडबैक है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.